नंबर है आज के दिन नेता फैला हुए, और वो मुलायम सिंह यादव जब बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दिया करते थे, उनकी वजह है। मैं पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रखे और उनका साया हम पे बरकरार रखे। देखिए, हमारा आने का मकसद ये बातचीत नहीं है, मेरा आने का मकसद मुंबई छोड़ कर ये है। आज जो देश में और प्रदेश में सरकार चल रही है, इस सरकार ने इस देश को पूरी दुनिया में अपमानित कर दिया। आज महंगाई चरम पे है, जो गैस सिलेंडर 300-350 मिलता था, 1000 रुपये ऊपर मिल रहा है, हर चीज़ आसमान पे जा रही है। और कोविड में ये हिंदुत्ववादी की बात करने वाले ये बताएं कि लाशें किसकी थी? गंगा जमुना में लाशें हिंदू भाइयों की थी। और ये बताएं कि जो रेप हुआ है वो रेप करने वाला हिंदू, सरकार हिंदू, कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? तो ये हालत देश की बहुत ही ख़राब है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक गंगा जमुनी तहजीब का देश है, और इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। रोजाना किसी न किसी बहाने हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहते हैं। मैं आज निकल के इसलिए आया हूँ कि हमें ये संकल्प लेना है कि भारतवर्ष की जो पुरानी सभ्यता है भाईचारगी की, हिंदू मुस्लिम की, उसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मैं देख रहा हूँ, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसे आदमी के यूपी में आने पर लोगों में इतना जोश है, इतना खरोश है, और एक एक तरफ से आवाज़ आ रही है। मुझे अभी माफ़ करना, आप लोग बुरा शायद नहीं लगना चाहिए, गोदी मीडिया बोलते हैं शायद आजकल, इससे पहले कोई वर्ड ऐसा नहीं आया था। उनका फोन आया मुझे दिल्ली से कि अबू भाई आप लिख लीजिए कि सरकार आपकी आ रही है। मतलब कल तक तो नहीं बोलते थे, नहीं बोले सच्चाई है सरकार आ रही है। तो आज जब वो बोलने लगे तो मुझे और खुशी हो गई कि समाजवादी पार्टी ने जो 2012-17 तक किया है ना, आज जनता उसे इंतजार कर रही है। और मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ, खुले मैदान में टीवी पर बैठ के, कि जितना काम अखिलेश यादव ने 2012-17 तक किया ना, आज तक किसी ने नहीं किया। हर समाज के लिए किया है, और ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं बीजेपी की बात किया है। हिंदू ने रेप कहाँ किया? नहीं, देखिए ना, अभी 9 बजे रेप हुआ था, कौन थी लड़की, किसकी पुलिस है, किसकी सरकार है, जवाब मिल जाएगा आप? आपने कहा तो किसी एक आदमी को लेके आप सारे हिंदू को नहीं, मैं सारे हिंदू को नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हिंदू की बात करते हैं, कम से कम वो लोग, ऐसे लोगों को उनके पास पार्टी में ऐसे लोग हैं जो आए रेप कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस बात के लिए? मैं हिंदुत्व तो और हिंदू समाज का बहुत आदर करता हूँ, अगर सच्चा हिंदुत्व आ जाए। आपका कहना है सर, एक मिनट सर, सरकार में हिंदुओं के साथ रेप हो रही है, क्या मुसलमानों के साथ रेप नहीं हो रहा है? हो रहा है, हिंदू मुसलमान के साथ करवाई हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। तो वो लोग जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं ना, वो देख लें कि ये लोग सबके साथ एक ही तरह कर रहे हैं। आज आइए कह रहे हैं 2 करोड़ को हम नौकरी देंगे, कैसे देंगे नौकरी 2 करोड़ को, सब कंपनियां बिक रही हैं। और मैं अपने उन भाइयों को जो इस मुल्क में हमारे अक्सरियत भाई हैं, जो मेजोरिटी में हैं, उनको बताऊं कि रेलवे बिक रहा है, रेलवे में 2% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई हैं। उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, कोई बोले रहेगा, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी सरकारी, तो नुकसान किसको हो रहा है? हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदू भाई को नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एयर इंडिया बिक रहा है, उसमें 1% मुसलमान है, 99% हिंदू है, नौकरी किसकी जाएगी? आप खोलिए, ये हिंदू मुसलमान नहीं, इस देश को बर्बाद करने बैठे हुए लोग। अबू आसिम आजमी कासगंज को किस तरीके से लेते हैं? कासगंज को मैं देखता हूँ, कासगंज में एक मुसलमान को मारा गया, और उसके बाद मुझे कासगंज के उस लड़के के बाप से फोन पे मेरी बात हुई। उसने कहा कि मुझे पुलिस प्रेशराइज करके मेरी साइन ले रही है कि ये जो है आत्महत्या है, कत्ल नहीं है, मारा नहीं गया है, इस तरह की चीज़ है। सरकार को उसी वक्त करके उस पुलिस वाले को सीधा दंडित करना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे पुलिस वाले जो हैं इनको हम फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे और उनको मुआवजा देना चाहिए, कंफर्म देना चाहिए, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। आपने कहा था कि जिसको मुस्लिम रहनुमा चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। मैंने इस बात पे कहा है, सुनिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं क्या मुस्लिम नहीं हूँ क्या? मैं 6 साल तक पार्लियामेंट में कानून बनाने बैठा हूँ, मैं 3 बार MLA बनकर कानून बनाने बैठा हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अगर तुमने अपना वोट किसी गैर को दिया और तुमने किसी गैर को लीडर बनाया तो तुमको अल्लाह की तरफ से गजब आएगा, रसूल की तरफ से तुम गुनहगार हो जाओगे, तो मैं कहूँगा कि भाई ये लोग जो बांटना चाहते हैं ना, ये भारतवर्ष एक सुपर मुल्क है जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ में रखना चाहिए। ये हिंदू अलग अलग बात नहीं करना चाहिए, जो अलग बात करते हैं ना वो मुसलमानों के और देश के दुश्मन है। समाजवादी पार्टी में अभी माइनॉरिटी के लीडर अभी का चेहरा नहीं नजर आ रहा है, किसको आप प्रोजेक्ट? समाजवादी पार्टी में अभी माइनॉरिटी का चेहरा है अखिलेश यादव नहीं, आजम खान के बाद तो अभी तक कोई नहीं, नहीं। अरे है ना चेहरा, सब हम लोग सब तो काम कर रहे हैं, तो लीडर बन रहे, अर्शद भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो काम कर रहे ना, राजीव बैठे, क्या माइनॉरिटी काम नहीं करते क्या? कोई जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी का काम, माइनॉरिटी का चेहरा मुसलमान ही हो। माइनॉरिटी के लिए
हमारा भाई भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। आजमगढ़ को ने यूनिवर्सिटी दिया है, जबकि उन्होंने पहले कहा कि आतंकगढ़, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या दिया है रुपया? उन्होंने कहा 2-2 करोड़ रुपया का नौकरी देंगे, दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 2022 में दुगना हुई क्या? उन्होंने कहा डॉलर कमजोर होगा, रुपया भाजपा हुआ क्या? सब झूठ, आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी भी झूठ। सड़कों का जाल बना दिया गया है यूपी में, जितना काम जो भी सरकार में हुआ है कहीं नहीं हुआ, हमारा किया हुआ खा रहे। हमने शुरुआत किया देश जो यहाँ से पूर्वांचल का जो बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी ने लिया था। और सुनिए, 5 साल पहले हवाई जहाज उतारा था समाजवादियों ने, 5 साल बाद आज उतार रहे हमारी नकल, 5 साल पीछे तो हमसे पहले ही हो गए। एक्सप्रेसवे पे ही बात करना चाहते हैं कि क्या इतना ये थी कि दोनों पार्टियों ने इस कदर अपनी क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि महंगाई और दिगर मुद्दे इतने ज्वलंत हैं, उस पे समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उस काम को ओपनिंग करके अपना क्रेडिट लेना है, तो हम जनता को बताएंगे ना कि ये रास्ता तो हमने दिखाया है, तो मालूम क्या है, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जानते हैं। वो भी रास्ता आपने ही दिखाया था, मेट्रो को पहले ही चालू कर दिया था, ओपनिंग कर दिया था। हमने बनाया तो चालू ही करेंगे क्या? तो हमने आपकी योजना भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगी, उन्होंने पूरा किया, लेकिन बसपा के बाद आपकी सरकार आई, आपने बसपा की योजनाओं को झोले में डाल दिया। एक बार ये कह दे कि हम अखिलेश यादव तुम्हारी नकल कर रहे हैं, हम तुम्हारे की काम पूरा कर रहे हैं। सदस्य किसके खाते में जा रही है? सदस्य किस खाते में जा रही है? नेताजी तो पहचानते नहीं जा रहे हो, जैसे हमें जानते नहीं। नेताजी अहंकारी सरकार, हिटलरगिरी सरकार, 11 महीने से किसानों को मजबूर किया, और मैं सलूट करता हूं उन किसानों को जिन्होंने 11 महीने 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान दस से मच नहीं हुआ। क्या क्या नहीं किया गया, ठंडी में पे पानी फजाल लगाई गई, वहां पर बड़े बड़े लोहे के रॉड लगा दिए गए, ये किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को पाकिस्तान से प्रेरित, पाकिस्तान चाइना से प्रेरित कहा गया, लेकिन किसानों ने माना नहीं। मैं सलूट करता हूँ कि किसानों ने अहंकारी सरकार को झुकाया। अबू साहब जो समाया अहंकारी का परिवार समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, वो किससे खाते में जा रही है, समाजवादी पार्टी और प्रकाश राजभर कौन चेहरा होगा? ये मेरा काम नहीं है। मैं ये अबू साहब मुख्तार अंसारी को सपा चुनाव लड़ाएगी या नहीं? सुने एक एक बात करती है, मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी अपने समर्थन में चुनाव लड़ाएगी या नहीं? देखिए ऐसा है ना कि हम हर उस आदमी को चुनाव लड़ा जाते हैं जो जनता में जा रहा है, जो जनता में काम करता है, जनता जिसको चाहिए। ये अखिलेश वो जवाब देंगे, आप किसको टिकट देंगे? मैं तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, आपकी जो भावनाएं होंगी वहाँ पहुँचा दूँ। बिल्कुल बंद होना, पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चला, कई कई महीनों तक लोग बैठे रहे, और CAA जो है मुसलमानों को नहीं आने देंगे, बाकी देश में सबको आने देंगे, इस तरह का कानून उसकी मुखालफत होना चाहिए। जो लोग भी भारतवर्ष के संविधान को मानते हैं सबको इसके खिलाफ जी। हम चाहते हैं, देखो हम पहले कह चुके इतने दिनों से बैठे थे लोग, और इतना ज्यादा उसके ऊपर आवाज लगाई गई, लेकिन CAA में आंदोलन करने वाले कितने गोली मार दी गई, कितने को जेल में डाल दिया गया, उत्तर प्रदेश में NSA लगा दिया गया, UAP लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। मैं फिर भी मांग करता हूँ कि ऐसे कानून सब खत्म किए जाएं जो हिटलरगिरी वाले कानून। कार्रवाई लगातार हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि बदले की भावना से किसी के साथ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। संरक्षण तो दे रही है BJP, सबसे ज्यादा उनकी लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं। और मुख्यमंत्री क्या आप जानते हैं मुख्यमंत्री को क्या मानते हैं आप? उनको देखते हैं भाभीया के या गुंडा के? आप बताइए, केसेस ज्यादा होते हैं, क्या देखते हैं आप? जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस चालू रहते देखते हैं, या माफिया या गुंडा? हमारा भतीजा सुना भैया,
जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको आप क्या सपा का असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के पास इतना जनाधार है कि किसी किसी हाथ मिलाने का समझते हैं, उसके बाद जनाधार उनसे हाथ मिला। अच्छा भतीजा एक होंगे या अलग अलग भाई जाएंगे इंशाल्लाह। हां आज बोले हो जाएगा। नेताजी हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं।